सबके ये लगी अपनी गाड़ी, खोलो जी इसको। पार्किंग देख रहे हो आप, क्या खतरनाक पार्किंग की है इसकी। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर से, और दो दिन काम है हमको जन्माष्टमी के, वो हम आज पूरे करेंगे अपने, और आपको भी दिखाएंगे कि हमने अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नरसिंह भगवान जी के दर्शन करने, और इस टाइम हम हैं जिस लोकेशन का नाम है नरसिंह टेंपल गगवाल, और ये J&K में आता है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, और लोग कितने ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे, लाइन में लगे हुए हैं लंबी लंबी लाइन में श्री कृष्णा जी को झूला झुलाने के लिए आए हुए बहुत बहुत दूर से। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर से आपको नरसिंह भगवान जी के दर्शन कराएंगे। तो यहाँ विराजमान है हमारे नरसिंह भगवान जी, आप दर्शन कर सकते हैं उनके, और देख सकते हैं कितने ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं नरसिंह भगवान जी के यहाँ पे। जैसे कि आप इस भीड़ को देख के पता लगा ही सकते हैं कि क्या अहमियत है इस मंदिर की यहाँ हमारे लिए यहाँ पर। तो कोई भी जन्माष्टमी बिना ठाकुर जी को झूला झुलाए नहीं हो सकती। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे श्री कृष्ण जी को झूला झुलाने, आप देख सकते हैं कैसे विराजमान है, हंस रहे हैं हमको देख के। राधे राधे। बाल कृष्ण होंगे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी का संसार में सबसे बड़ी भाई है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। नरसिंह मंदिर में आया, और भूख प्यास तो मतलब कि लग नहीं सकती। सामने आपके चल रहा है प्रसाद वाला काउंटर, और यहाँ पे चल रहा है शबील लगी हुई है रूह अफजा वाला दूध मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप मंदिर आए तो आप भूखे प्यासे तो आप रह ही नहीं सकते, सब कुछ हर सुविधा है यहाँ पे। भाई जी मंदिर से हुआ है, नरसिंह भगवान जी के मंदिर से हुआ है यहाँ पे हम। अभी हम आ गए गाड़ी में अपनी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा अंदर। तो अभी सीन कुछ ऐसा ना कि श्री कृष्ण जी को मत्था तो टेक लिया हमने, बट वो अभी पूरी तरह प्रसन्न नहीं हुए। उनको प्रसन्न करने के लिए उनके जो खास खास बंदे हैं ना, उनको प्रसन्न करना जरूरी है। तो अभी हम दिखाते हैं उनके खास बंदों को हम प्रसन्न कैसे करेंगे। तो आप देखो, और धूप बहुत ज़्यादा बाहर, तो ड्रोन हम लाए हैं अपने साथ, बट ड्रोन उड़ेगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसे उड़ेगा ना तो मतलब एक साइड दिखेगी, अगर मैं दूसरी साइड मुड़ूंगा ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आएगी। तो शाम होने का वेट करते हैं, तब तक उनके कुछ खास बंदों से मिलाते हैं। इसने तो भाई पीना ही पीना है, बनाना ले रहे हैं बनानास। बाईस किलो 900 ग्राम के केले अभी और करवा रहे हैं, 416 भाई केले पैक। भाई और सामान ले लिया, भाई लेके आएंगे इनसे पूछते हैं क्या लिया। रस के पैकेट, चलो चलते हैं अब आगे। भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे ग्राउंड में, खुले ग्राउंड में आ जाओ। तो भाई आ गए, अभी हम इनको डालें, असली मजा इनको खिलाने में है। भाई रुको, भाई अभी अंदर हैं, एयर फाड़े हमारी गाड़ी भी जड़े हैं। Thank you.
भाई देखो पैंट बोल रहा मेरी भाई छिलके अंदर नहीं मेरे को देखो माता जी तो भाई आधी पार्टी यहाँ करा के हाँ जी हाँ जी हेलो बोल दो हेलो तो आधी पार्टी हमने करा दी इनको यहाँ पे सबकी गालें देखो कैसे फूल की हुई हैं मतलब इन्होंने खा लिया वो अच्छे से बाकी आप गाड़ी की हालत देखो क्या बनाई है इन्होंने अभी ऊपर बैठे हुए हैं जय श्री राम भी गंदा हो गया थोड़ा सा साफ कर देते हैं बाकी देखो चेक करो आप कितना कितना इन्होंने स्टोर कर लिया हुआ है अभी हमने एक बचाया हुआ है भाई छत पे देखो इन्होंने पोटी कर दी यार देख रहे हो देखा पोटी ये चलो कोई नहीं अभी हम गाड़ी चलाएंगे ऊपर नीचे होगी तो अपने यहाँ गिर जाएंगे शायद पक्का पता नहीं है भाई गंद हमने रख लिया अपने साथ बाकी थोड़े से रस पड़े हुए वो नीचे डालेंगे हाथ गंदे हो गए हाथ ही साफ करेंगे थोड़े से केले पड़े हैं वो नीचे डालेंगे यहाँ पे गैंग है ना मतलब जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना आप वैसे वैसे गैंग होगी इनकी तो बीच वाली गैंग को हमने डाल दिया अब नीचे वाली गैंग को डालेंगे चलो भाई तो अब रास्ते में जितने भी गौ माता जी मिलेंगे उनको एक एक करके हम केले डालते रहेंगे भाई निकाल रहे हैं पीछे से बनाना आगे ले पूरा लाफा और भाई छोटी छोटी गायें छोटे छोटे गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल और पता है उनको गाय कितनी पसंद है कृष्ण भगवान जी को तो आज उनको हम इस ऐसे हम उनको प्रसन्न करेंगे तो आगे और भी मिलेंगी गायें माता उनको भी डालते हैं थोड़ी सी गायें माता बैठी हुई हैं साइड पे तो इनको भी डाल देते हैं छांव में भाई जहाँ जहाँ मिल रही है वहाँ वहाँ रुक रुक के दे रहे हैं भाई के केले लगे पिछले एक गौ माता ने हमारे बनाना एक्सेप्ट नहीं किए पता नहीं क्यों भाई सच बताऊँ ना अपना तो मन करता कि जब हम हो ना तो ऐसे कोई भी जानवर कोई भी आदमी ऐसे भूखा नहीं सोए बट इतनी अभी वो नहीं है यार ऐसे बोलते ना औकात उतनी औकात ही नहीं है अभी अगर आगे कहीं हुई तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ करेंगे इनके लिए यार ऐसी कोई वो बात नहीं है दिल से इनके साथ कनेक्शन फील होता है इनको खिला के खुशी होती है अपने पे जितना मर्जी खर्च लो कुछ भी कर लो वो सेटिस्फैक्शन वो कुछ नहीं आता जितना किसी जानवर किसी भूखे को जिसको ज़रूरत हो ना उसको अगर आप उसकी ज़रूरत फुलफिल करके करते हो ना उतना मज़ा किसी में नहीं है अब ये देखो ये गायों को खिला रहे हैं भाई कितनी खुशी हो रही है अंदर तक ऐसे खुशी खुशी वाला माहौल हो गया क्योंकि गायें भी देखो भूखी हैं इनको भी यार यहाँ पे ना हमारे जे एंड के में ना बहुत ज़्यादा वो होती है बोवीन स्मगलिंग होती है ना ये पशुओं की स्मगलिंग होती है तो आधे पुलिस वाले छुड़वाते हैं ट्रकों से तो फ़ोटो फोटो खिंचवाते हैं वो और उनको छोड़ देते हैं ऐसे सड़क पे मरने के लिए और वो बेचारे कभी गाड़ी नीचे आ जाते कभी इसी के नीचे आ जाते हैं और कुछ ट्रक ड्राइवर इनको ऐसे डर के मारे छोड़ जाते हैं जो पार्क लाए होते हैं तो बस ये इनकी बेचारों का जीवन ऐसे ही है तो इनका जीवन थोड़ा सड़कों पर अच्छा तो नहीं है बट कम से कम भूखे पेट तो ना रहे हैं ये बस इतना ही हमारा वो है लड़ रहे हैं आपस में ये अपनी एज के ऐसे होते नहीं जैसे बच्चे जैसे हम अपनी एज के होते हैं वैसे ही अपनी एज के लड़ रहे हैं इसको
भाई खत्म हो गया हमारा आज का हैप्पी 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 डे। अब चलते हैं मंदिर वापस। चले मंदिर हो गया चल पड़ी है। अब निकालेंगे हम अपना ड्रोन और लेंगे यहाँ के ड्रोन शॉट्स, तो एंजॉय करो। Oh, oh, oh.